तो गाइस हम आ गए हैं जोसफ बार में। आई थिंक ये बीच में वाटर रिजर्वर बनाया होगा ये पूरा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। तो मैं हूँ इस समय गोवा में, नॉर्थ गोवा में, और आज हमारा डे 6 है गोवा के अंदर है। और काफ़ी प्लेसेस हमने एक्सप्लोर करते हैं, मोस्टली मैंने गोवा में काफ़ी एक्सप्लोर किया है। और ये है पारा कोकोनट रोड, और यहाँ पे जो फेमस मूवी की शूटिंग हुई थी डियर जिंदगी, शाहरुख खान यहाँ से अपने बाइसिकल पे जाते हैं। आज का प्लान मैं बता दूँ, आज हम पूरा नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करने वाले हैं, काफ़ी प्लेसेस पे हम जाने वाले हैं। सबसे पहले हम आए हैं पारा कोकोनट ट्री रोड, और ये काफ़ी फेमस है उस मूवी के बाद। तो गाइज हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, और ये है अगोड़ा फोर्ट। और ये पीछे देखिए मेरे लाइट हाउस दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये सबसे बढ़िया इस समय कंडीशन में है ये अगोड़ा फोर्ट, और इसके आगे भी बहुत बढ़िया व्यू दिखता है। और ये डच लोगों ने बनाया था 1612 में, और ये पीछे लाइट हाउस देख रहे हैं ये 19th सेंचुरी में बनी थी, और 100 साल ये वर्किंग रही है। इसके बाद 20th सेंचुरी में नई बनी है, और इसको कहते हैं एशिया की सबसे ओल्डेस्ट लाइट हाउस है ये पीछे जो आप देख रहे हैं। और जो ये फोर्ट की कंडीशन है बहुत ही अच्छी है, नहीं तो अभी तक हमने जितने फोर्ट देखे हैं कहीं फोर्ट का नाम निशान नहीं है, थोड़ी थोड़ी वॉल बची हुई हैं। ये इसमें पूरा प्रॉपर वॉल बनी हुई है चारों तरफ, और ये ब्यूटीफुल अगोड़ा का लाइट हाउस, और ये देखो चारों तरफ वॉल देख लो, बहुत ही बढ़िया वॉल बनी हुई है अभी भी। और ये इसके पीछे सी है सामने, अमेजिंग। और ये डॉल्फिन ट्रिप के लिए बोट जा रही है, यहाँ पीछे ही मंडावी रिवर है, वहाँ से बोट चलती है 300 रुपये में, 300 या 400 में। ये मंडावी रिवर, ये पूरा डॉल्फिन ट्रिप करा के लाएगी आपको। ये देख लो यार, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। और ये हमारा लाइट हाउस, बहुत ही शानदार। पहले हम थे अपर फोर्ट अगोड़ा, अब लोअर फोर्ट अगोड़ा में आ गए हैं। और मैं बता दूँ कि इसका ओपनिंग आवर है मॉर्निंग 9 to evening 6 o'clock, और ऊपर भी 50 रुपये पार्किंग के लिए, यहाँ भी 50 रुपये, मतलब 100 रुपये सिर्फ पार्किंग के गए हैं ये फोर्ट को देखने के लिए। और यहाँ सेंक्वेरियम बीच भी है, तो बीच भी चलेंगे, और फोर्ट का जो लास्ट है लोअर पार्ट है वो भी देखेंगे। ये देख लीजिए सामने अरेबियन सी, और ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं छोटे छोटे ये चारों तरफ। अभी मैं लोअर पार्ट ऑफ अगोड़ा फोर्ट में खड़ा हूँ। ये देखिए ये एक बुर्ज है जो बिल्कुल सी के ऊपर बना हुआ है, एक दूसरा बुर्ज वो रहा सामने, वो देखिए वहाँ पे, यहीं से जाना पड़ता है। और ये ताज रिसोर्ट है मेरे पीछे, और ये अरेबियन सी है, देखिए बोट्स कितनी सारी बोट्स हैं। और सेंक्वेरियम बीच ये सामने है, ये सामने है सेंक्वेरियम बीच, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है लग रहा है, और व्यू बहुत ही शानदार है। तो अभी चलेंगे बीच पे, और अब हम आ गए हैं सेंक्वेरियम बीच पे। ये देखिए मेरे दोनों तरफ से ये बीच है, बहुत ही प्यारा बीच है, और सैंड बीच है, और यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, और नहीं तो बागा और कॉलिंगवुड में तो यह बुरा हाल है। और यहाँ वाटर स्पोर्ट भी सारे होते हैं, ये पीछे मेरे देखिए बोट वगैरह, बनाना राइड वगैरह सब कुछ होता है। और पीछे है लोअर फोर्ट का हिस्सा जो अभी हमें हम होके हैं वहाँ से, ये देखिए सामने ये पूरा बीच है सेंक्वेरियम बीच। ये आज की हमारी थर्ड डेस्टिनेशन होगी है, तो अब देखते हैं इसे आगे आगे जाएंगे, अब पंजी की तरफ जाएंगे। वहाँ जोसफ बार काफ़ी फेमस बार है, जोसफ बार
कहते हैं कि अगर गोवा तो जोसाबाद जरूर जाएँ। चल देखते हैं, अभी जाते हैं जोसाबाद, भीड़ बहुत मिलने वाली है और वो रंग बिरंगे आपको घर भी दिखाएंगे जो गोवा की शान है। तो गाइज़ अभी हम आए हैं राइस मैंगो फोर्ट पे, ये पीछे देख लीजिए, ये ऊपर जाना पड़ेगा, ये फोर्ट है सामने जो कि 1493 में बन के तैयार हुआ था और 20-25 साल में ही इसको पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये सामने ये चर्च होगा आई थिंक। तो अभी चलते हैं ऊपर फोर्ट में, ये हमारा आज का फोर्थ डेस्टिनेशन है एक्सप्लोर करने का। 12 बज चुके हैं तो करते हैं हम ऊपर एक्सप्लोर। तो गाइस अभी हम हैं राइस मैंगो फोर्ट के ऊपर टॉप पे और ये एक रूम है, इस पर काफ़ी पेंटिंग लगी हुई है ये देखिए, और सामने सी का व्यू भी नज़र आता है यहाँ से। ये देखिए पेंटिंग देखिए, काफ़ी सुंदर पेंटिंग है, ये देखिए पेंटिंग देखिए, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। और ये मैं बता दूँ एक चीज़, ये सामने पंजीम है, पंजीम के ओपोजिट है ये राइस मैंगो फोर्ट है। हम बुर्ज पे आ गए हैं, बुर्ज के ऊपर ये देखिए 1 2 3 4 कैनन लगी हुई हैं, तोप लगे हुए हैं, मस्त है यार, ये पुर्तगालियों का निशान है। ये देखो तोप देखो यार, बड़ी ज़बरदस्त तोप है। और बाहर का व्यू, सामने पंजीम सिटी है सामने, और ये कैसीनो बीच में बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये कैसीनो हैं ऊपर। तो अभी तक जितने भी फोर्ट मैंने गोवा में देखे हैं वो सबसे बेस्ट मुझे यही राइस मैगोस का फोर्ट लगा है, और आप ज़रूर आएँ, हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ पे आपको कैनन देखने को मिलेंगी, जितने बुर्ज हैं वो भी बढ़िया हालत में है। ये देखिए सामने कैनन, ये दूसरा बुर्ज है, ये 3 कैनन यहाँ पर हैं और 4-5 पीछे थी, इतना बढ़िया, और सामने का व्यू तो और भी शानदार है, ये देखिए सामने। तो ये मेरे बैकग्राउंड पे है राइस मैंगो चर्च, ये पुराना राइस मैंगो चर्च जो कि बिल्कुल फोर्ट के बिल्कुल साथ में है। ये देखो आप पीछे नीचे जाके पूरा दिखाई देगा, थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन ये चर्च अभी ऑपरेशनल नहीं है, बंद है, यहाँ पे अभी कोई प्रे वगैरह नहीं होती, ना कोई अंदर जाने की एंट्री है। ये देख लीजिए पूरा चर्च। तो अब हम चलेंगे पंजीम की तरफ। तो गाइस अभी हम हैं फोंटेनास पंजीम में, और ये देखिए कलरफुल हाउस यहाँ के जो कि काफ़ी फेमस है, और देखिए टूरिस्ट कितने आए हुए हैं यहाँ पे और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब कर रहे हैं, बहुत ही शानदार कलरफुल घर हैं ये। और ये पुर्तगालियों का ट्रेडमार्क था ये पंजीम, उनके ऑर्डर होते थे कि इस तरह के घर रखने हैं आपको, बहुत ही शानदार। ये देख लीजिए यहाँ पे अभी फ़ोटोग्राफी की है वीडियोग्राफी की है, अब हम चलेंगे जोसेफ बार में। तो गाइस अभी मैं हूँ जोसेफ बार में, और ये जो बार है आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी, क्योंकि जब पुर्तगालियों का समय था उस समय की याद दिलाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सब जैसे पुरानी टेबल, पुरानी चेयर्स और पुरानी दीवारें, उस पर कोई पेंट नहीं है, इसी तरह पुराने जैसे सर्व करते हैं उसी तरह यहाँ पे सर्व की जाती है। तो अंदर का मैंने आपको दिखाई दिया है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फैनी के कॉकटेल बहुत ही शानदार मिलते हैं। तो गाइस ये है तांबड़े रोज़ फैनी है ये, और ये हम पी रहे हैं यहाँ पे जोसेफ बार में यहाँ की स्पेशल ड्रिंक, और काफ़ी टेस्टी है यार। तो हमारा जोसेफ बार भी हो गया, अगर पंजीम आए तो जोसेफ बार ज़रूर आएँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अभी हम हैं पंजीम में, और ये फेमस चर्च है मेरे पीछे, पंजीम का फेमस चर्च मेन मार्केट में है, ये देखिए सामने मैं दिखा देता हूँ, बहुत रश है यार, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, और बारिश हो रही है, ये देखिए आप पूरी सड़क गीली हो चुकी है, और 1 घंटा हम बैठे रहे कि रेस्टोरेंट में क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अभी हम जाएंगे डोना पोला व्यू पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, तो पहले हम देखेंगे डोना पोला व्यू पॉइंट। तो गाइस हम पहुँच गए हैं डोना पोला के व्यू पॉइंट पे, ये सामने देखिए
ये बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट है और यहाँ से सारे वाटर स्पोर्ट होते हैं, जितने भी क्रूज शिप जाते हैं यहीं से जाते हैं। पीछे सारा रेट प्राइस लिखा हुआ है, जेट्स की और बम्पर राइड, बनाना राइड।